हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक मिनी व्लॉग में, जहां हमने नौगांव में बनने वाले सबसे बड़ा शिव मंदिर को देखने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक वीडियो होने वाला है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो की शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं, हम लोग गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, तो इधर से नौगांव में जाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, तो इसलिए हम लोग गाड़ी लेकर नौगांव में जा रहे हैं। शानव और हमारा संपूर्ण परिवार इस ऐतिहासिक मंदिर को देखने के लिए जा रहे हैं। हम लोग इस प्लान की चर्चा बहुत दिनों से कर रहे हैं कि हम लोग शिव मंदिर को देखने वाले हैं और जाएंगे, तो हम लोगों को भी गाड़ी से जाने के लिए लगभग 3 घंटे लगे हैं। तो फाइनली हम दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महामृत्युंजय टेम्पल में पहुँच चुके हैं, जो कि नागांव में है, जैसे मैं पहले बताया था। तो आप देख सकते हैं कि सब लोग इधर में धूप जला रहे हैं, जो कि पूजा पाठ में किया जाता है। और अभी लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि वहाँ द बिगेस्ट शिवलिंगम महामृत्युंजय टेम्पल। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप इस शानदार और ऐतिहासिक मंदिर के लिए क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और जो भी इस मंदिर को विजिट करना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के भीतर में भी नज़ारा खूबसूरत है और अद्भुत है। मंदिर के भीतर में पुजारी है जो पूजा पाठ करते हैं, और मंदिर के भीतर में जाओगे तो ऐसा लगेगा मानो कोई ऑडिटोरियम है। तो मंदिर के बाहर में भी सीनरी अद्भुत और अविश्वसनीय है। एक जगह दुकान से भरपूर तो दूसरे जगह में हरियालिया से भरा हुआ अद्भुत नजारा है। तो अभी हम लोग प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि निचली ताला में पाया जाता है। पुजारी जी ने हमें केले एवं अनेक प्रसाद दिए। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर गए तो देखे कि बहुत सारी कबूतर है। मेरी मम्मी की हाथों से उन्होंने खाया था तो मम्मी बेहद प्रसन्न हो गई। और दूसरी छोर से मेरा भाई शानव है, जो कि इस अद्भुत नजारे के मजे ले रहे हैं। उसके बाद दुकानों में गए और बहुत सारे रंग बिरंगे खिलौने देखे। और उसके बाद हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगा था, तो हम लोग सोचा कि रेस्टोरेंट में जाएंगे और खा के घर वापस जाएंगे। तो यही होता है मिनी व्लॉग का अंत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दूसरों से। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय।